25 का लड़ाई अभी 24 में ही सेटल कर देंगे। नवंबर में आप देखिएगा रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यहाँ जितने राजनीति करने वाले लोग हैं इनको अभी हम दिखाएंगे यहाँ तरारी में और रामगढ़ में, इनके घर में घुस के इनको न हराए तो आप हमको कहिएगा कि आपके धरती का लड़का है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव में पीके की पार्टी जनसुराज पूरी तरह से फेल हो गई है। दूसरों की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद ही पहली परीक्षा पास नहीं कर पाए। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ शामिल है, लेकिन एक भी सीट पर जनसुराज का प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आया। पुख्ता रिजल्ट से पहले चलिए बताते हैं पीके ने किस सीट पर क्या गणित लगाया और चूक क्यों गए। गया के बेलागंज की बात पहले करते हैं। इस विधानसभा सीट के वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती 3 राउंड तक तो जनसुराज के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर ही दिखे। बेलागंज विधानसभा से राजद प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ को तीसरे राउंड तक की गिनती तक 13,367 वोट मिले, जबकि एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी को इस राउंड तक 18,322 वोट मिले, जबकि जनसुराज के प्रत्याशी अमजद को 11 बजे तक 4,862 वोट मिले थे। तरारी विधानसभा उपचुनाव में भी चौथे राउंड की गिनती पूरी होने तक की बात की जाए तो भाजपा के प्रत्याशी विशाल प्रशांत आगे दिखे, दूसरे नंबर पर इस राउंड तक भाकपा माले के प्रत्याशी रहे, जबकि जनसुराज की किरण देवी दोनों से पीछे ही रही। इमामगंज में भी हाल कुछ ऐसा ही था। यहां पर वोटों की गिनती में चौथे राउंड तक राजद प्रत्याशी रोशन मांझी को 20,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को 20,653 वोट मिले। जनसुराज के प्रत्याशी का यहां भी वही हाल, डॉक्टर जितेंद्र पासवान को 15,608 वोट मिले। हालांकि सातवें राउंड के बाद एक और अपडेट आई और उस जानकारी के अनुसार इस राउंड की गिनती तक राजद प्रत्याशी रोशन मांझी को 26,000 से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी को 29,000 से ज्यादा वोट मिले। इस राउंड में गिनती होने तक जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र पासवान को 21,828 वोट मिले थे। इसके बाद अगर बात कर ली जाए रामगढ़ की, जब वोटों की गिनती यहां पर शुरू हुई तो भाजपा, राजद और बसपा प्रत्याशियों के बीच ही टक्कर देखने को मिली। शुरुआती रुझान में तो बसपा के प्रत्याशी सबसे आगे दिखे, जबकि शुरुआती कुछ राउंड की गिनती तक जो अपडेट सामने आया था यहां पर जनसुराज प्रत्याशी काफी पिछड़ते हुए दिखे। जहां तीनों उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोट मिल चुके थे, वहीं जनसुराज प्रत्याशी सुशील कुशवाहा को 1,000 वोट भी तब तक नहीं मिल पाए थे। बिहार में 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर ने राजनीति में कदम रखा था। 2 साल बिहार में पैदल यात्रा भी की। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का गठन किया था। इस उपचुनाव में बड़ा झटका अब उन्हें लगता दिख रहा है। हालांकि शुरुआत में जो हमने आपको बाइट सुनवाई, जहां प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो 2025 का नतीजा 2024 में लाकर दिखाएंगे, तो जनसुराज पार्टी का तो 2025 में फिर शायद कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।